Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Kanal and I'm back with my new YouTube video. So आज मैं कराने वाली हूँ हेयर कलर. मैंने लास्ट टाइम जो हेयर में कुछ करवाया होगा तो वो करवाई थी कटिंग, जो मैंने इतने शॉर्ट करवा लिए थे हेयर. उसके बाद मैंने कुछ कलर भी नहीं करवाए और कुछ वो भी नहीं करवाया था, कटिंग भी नहीं करवाई थी हेयर कलर की. सो अब मैं करवाने वाली हूँ हेयर कलर, बिकॉज मुझे बाल की लेंथ थोड़ी बढ़ानी है इस वजह से, और मेरे बाल बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो. ये पुराने कलर हैं और ये पूरा ब्लैक है, क्योंकि ये सारे ग्रोथ आ गई है न्यू वाली, इसलिए सारा कलर जो है वो नीचे जा चुका है. और अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मैं कौन सा कलर करवाने वाली हूँ कौन सा नहीं, बिकॉज मैंने एकदम ही रैंडमली कल रात को मेरे दिमाग में आया कि कलर करवाते हैं, और आज मॉर्निंग में कलर करवाने जा रही हूँ सैलॉन. और एक और न्यू सरप्राइज़ है, वो आप ब्लॉग में आप देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, और मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं इतना ज़्यादा वेट कर रही थी उस चीज़ के लिए, फाइनली वो चीज़ अब आ गई है. हमारे घर के न्यू मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी चुपचाप से, इधर देखो. अब इनका हम नेम भी रखेंगे कुछ, आप सजेस्ट करो जब तक कमेंट सेक्शन में. और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर पास इनका चेकअप कराने, कुछ कुछ है कि नहीं, इंजेक्शंस कैसे लगने हैं, इंजेक्शन क्या क्या लगने हैं, कैसे क्या होना है, सब डॉक्टर से पूछ के आएंगे, और इनको खाना क्या देना है, सब अभी डिटेल्स जाके हम डॉक्टर से लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. जो होगी फिर इसकी एंट्री होगी. मम्मी थोड़ा लगाना बिकॉज अभी उसके फिर वो प्रॉब्लम कुछ. बस मम्मी नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है मत लगाओ. लगाई थी. अरे यार कौन सा पैर लगाओ. राइट राइट ठीक है. ये चलो बैठो उसको. घर कैसे बैठ के कैसे बैठ के छोड़ दे छोड़ दे. आओ आप डाइनिंग टेबल के नीचे क्या कर रहे हो यहाँ पे. हाँ बहुत प्यारी है दीदी, ऐसा लग रहा स्कूल से आ रहे हो. सो घर आ गए हम लोग. उसके बाद मैं घर आते ही मैं उसके साथ खेलने लग गई थी, जोई के साथ. और शांत. और अभी मेरा आप हेयर कलर देख सकते हो, आपको कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा होगा. एक सेकंड मैं सनलाइट में आपको अपना हेयर कलर दिखाती हूँ. आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चला होगा. पहले मेरे यहाँ पे कलर्स नहीं थे, अब यहाँ पूरे हेयर में सेम कलर हो गया. और जो लास्ट टाइम मैंने हेयर कलर कराया था वही सेम, एक टोन अप कराया है मैंने. और अभी एक और वॉश के बाद थोड़ा अलग कलर आएगा. एंड मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं था कि जैसे एकदम तड़कता भड़कता. अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े और लंबे हो जाए मेरे बाल, उसके बाद मैं एकदम अच्छा सा कलर करवाऊँगी, थोड़ा ब्लॉन्ड टाइप. एंड जोई के साथ सब खेल रहे हैं घर में. वसुदी और मम्मा ने बोला था कि मत लेके आना, क्योंकि मैंने बहुत पहले उन्हें बोला था कि मुझे डॉगी चाहिए, मुझे एक पेट चाहिए घर में, तो उन्होंने मना कर दिया था. बट इस बार मैं सबसे बिना बोले लेके आ गई. सिर्फ मधु को पता था कि मैं लेके आने वाली हूँ, और मैं चुपचाप लेके आ गई. इवन अभी पापा को भी नहीं पता, पापा घर भी नहीं आया, और पापा को पता भी नहीं है कि घर में कोई न्यू मेम्बर आए हैं. एंड आज मैं इतना बिजी थी कि मैं ब्लॉग करना भी भूल गई. मैं जोई को लिया, जोई को लेने के बाद मैं हॉस्पिटल गई उसको लेके, उसको सारा चेकअप करवाया बॉडी का, उसकी उसके जो इंजेक्शंस हैं, वैक्सीनेशन है, पूरा 1 ईयर का प्रोसीजर पूरा पूछ के आई हूँ डॉक्टर से. एंड सब ठीक है. उसके बाद उसका खाना वाना लिया, कैसे क्या कैसे कब कब कितने टाइम में कैसे फीड करना है, सब सीख के आई हूँ. उसके बाद मैंने जब ये सब करा, उसके बाद मैं कलर करवाया, उसके बाद मैं घर आई. और अब आके मेरे पूरा आर्म्स में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला. कल भी मैं 4 बजे सोई थी, नींद नहीं आई थी इस वजह से. अभी भी मेरी पूरी बैक पेन हो रही है, आर्म्स दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी दर्द हो रही है. फिलहाल मैं रेस्ट लेने वाली हूँ. मेरे को रील भी बनानी थी पर मैं नहीं बना पाऊँगी, और मैं इतनी जल्दी जल्दी भी बोल रही हूँ फिर से. बट और मेरा हाथ भी पेन हो गया ऐसे रख रख के. एंड मैं इतना कुछ काम है अभी मुझे करना है, और इसके बाद मैं एडिट भी करना मुझे व्लॉग.
तो यहीं मैं एंड करती हूँ व्लॉग को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, कमेंट, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जोई को बहुत सारा प्यार देना है। बाय।